हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल डीके वंदना जायसवाल पे आप सबका वेलकम है। आज सोनाक्षी का बर्थडे है, हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं और लोग जा रहे हैं सोनाक्षी के लिए बर्थडे केक लाने और ढेर सारी शॉपिंग करेंगे उसके लिए, सजाने के लिए। तो हमारे साथ वीडियो पे बने रहिए, हम लोग जा रहे हैं मार्केट में, थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे, केक लेंगे। तो आइए, तो हम रेडी हो गए, अब जा रहे हैं सोनाक्षी के लिए केक लेने। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लोग जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। तो हम सब दुकान पे आ गए हैं और ये देखिए सोनाक्षी के लिए केक ले रहे हैं। एक केक ये है और एक और इसमें से डिसाइड करना हमें केक कौन सा लेना है। मुझे तो एक केक पसंद आ रहा है तो हमने एक केक सिलेक्ट कर दिया। ये देखिए उसी दुकान पे हम फिर आ गए हैं और अभी देखते हैं, एक चार केक दिखाए हुए हैं, मुझे एक केक पसंद आया है, फिर अभी आगे आपको दिखाते हैं। तो हमारा सामान हो गया, ये देखिए सारा बर्थडे का आइटम पैक हो गया है। ये देखिए यहाँ पे इतने आइटम हैं सब, ये बच्चों की चीज़ें हैं, चॉकलेट वगैरह और ये समोसे हैं। 12 हो गया, ले आओ ले आओ, राजू भैया नहीं आए, राजू भैया से मिलने आए थे, राजू भैया मिलने ही नहीं आए। तो हम लोग खरीद चुके हैं और ये देखिए हमारी बाइक खड़ी हुई है, हम लोग इससे जाएंगे। ट्रेन से देखो लेके खड़ा है सारा सामान खोले दुकान है। अब हम लोग बाइक से जा रहे हैं, घर से बाइक से निकले थे, मिलते हैं आपसे फिर वीडियो में। तो हम घर पहुंच गए हैं, देखिए घर पहुंचते ही सब लोगों ने छानबीन चालू कर दिया है, क्या आया है क्या नहीं आया है। ये देखिए मैडम खोल रही है और ये देख के बहुत ही खुश है कि ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सब कुछ देखिए, सामान इनके में देख, इनके ब्लॉग में आएगा, अरे इनके सजा रहेगा, बर्थडे का वो मेरे ब्लॉग में आया है। और ये देखिए सामान आया हुआ है, सब छितिर बितिर हो गया, बच्चे ढूंढने लगे हमारे लिए क्या खाने को आया, क्या खाने को आया है। पनीर है, मटर है, समोसे है, सजा लो इधर, सजा लो या चाहे उधर सजा लो। तो फैमिली मेरे घर के सामने ये बजरंगबली और श्री रामचंद्र जी सीता जी का मंदिर है, सोनाक्षी पूजा करने आई है, आज इसका बर्थडे है। तो देखिए लड्डू का भोग लगाया है भगवान को, इधर दिखा दो अगरबत्ती, सबको मना लो अच्छे से। तो हमने पूजा कर ली, अब दुकान के अंदर आ गए हैं। चलो सोनाक्षी, सब अंदर इंतजार कर रहे हैं, मैं यहाँ से अब ये शटर में गिरा देता हूँ। तो हम लोग चलते हैं, मम्मी पापा बड़े भैया सब अंदर बैठे हुए हैं केक काटने के लिए। अब हम चलते हैं। तो ये देखिए हमारे घर में सजावट हो रखी है, भाभी जी और इधर पापा बैठे हैं, इधर मम्मी बैठी है और ये केक लग गया हुआ है, सोनाक्षी खड़ी है, अभी सब सो गया है और ये किट्टो की फोटो है, ये अमित का फोटो है और ये 3D फोटो है और ये टीवी चल रहा है सामने। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सोनाक्षी, हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा अम्मा खिला दे, I know that you like it, you like it.
think about it. मेरे तीनों मामा अच्छे और मुझसे प्यार करते हैं और आई लव यू मामा, जहाँ भी रहे खुश रहे। थैंक यू मामा, सबसे अच्छे प्यारे से मामा। तो फैमिली, हम लोगों ने सोनाक्षी का बर्थडे जो है एंजॉय कर लिया है बहुत अच्छी तरह से, और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, भाभी से बातें कर रहे हैं। तो ऋषभ कल सो रहा था, ऋषभ का वीडियो नहीं आ पाया, तो सुबह उठ के रो रहा था कि पापा हमें उठाए क्यों नहीं। तो हम सोचे कि अगर उसको उठाएंगे तो बहुत डिस्टर्ब होगा, रोएगा, इसलिए हम उसको नहीं उठाए। लेकिन सुबह बोला कि पापा हमको उठाना चाहिए था। तो यहाँ पे हम आप सबको दिखाते हैं कि देवरान और जेठान आपस में क्या बातें कर रही हैं, सुख दुख आपस में बांट रही हैं। तो इनको देखिए, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हेलो फैमिली, हम लोग बैठे हैं। हम ऋषभ से कह रहे हैं, ऋषभ तुम कल बर्थडे में नहीं थे, सो गए थे, कल मुंह बना रहा था, तो हम कहे कोई बात नहीं, अगली बार काट लेना। तो कहे हम क्यों जगाई नहीं, देखो आज तुम्हें सब देख रहे हैं, बताओ देखो सब सो गए थे ना, बताओ। ऋषभ कल सो गया था क्योंकि गाय से थक गया था, मतलब ट्रेन में सोया भी नहीं था, और यहाँ भी आया, घर बहुत बड़ा है तो बाहर ऊपर नीचे कर रहा है, तो पैरों में दर्द, सो गया था। और देखिए हम लोग बैठे हैं और बातें साथी कर रहे हैं। क्या बातें कर रही है? अरे बहुत, अगर एक बात उठती औरतों की बातें कभी कम होती है, जहाँ बैठ जाती है दुनिया में की बातें शुरू हो जाती है। अच्छा, सुख दुख बतला रही है क्या? दुख सुख है, मतलब बहुत सारी बात कि दिल्ली में आप कैसी रहती हो, गांव में आप कैसी रहती हैं। नहीं है क्या कि हम लोग कैसे रहते हैं, क्या शहर में अंतर होता है। हाँ, जैसा देश वैसा भेज करना चाहिए, और लाइट भी नहीं है, बैठे हैं बाहर। और फैमिली, आप लोगों को पता है कि कल रक्षाबंधन है, तो आज हम वंदना को लिवा के जा रहे हैं उनके मायके। तो मैं इनको वंदना बोल रहा हूँ तो सोनाक्षी कह रही वंदना मत बोला करिए, और वंदना जी बोलता हूँ तो ये बोलते हैं वंदना जी मत बोला करिए। तो आज से हम इनको बोलते हैं सोनाक्षी की मम्मी। तो सोनाक्षी की मम्मी को हम लेके जाएंगे मायके, तो वहाँ पे हमारे वीडियो पे आप लोग जुड़े रहिएगा। बहुत कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहती है भाभी जी के पास। भाभी के पास आ गए हैं, तो उनसे पूछते हैं कितने साल बाद जा रही है राखी बांधने। तो आइए भाभी जी के पास। 15 साल, जब से शादी हुआ ये राखी बांधने नहीं गई है, 15 साल के बाद जा रही है राखी बांधने। अब बहुत मतलब कि खुशी हो रही है इनको भी कि कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। और ये जाती भी नहीं थी, इनका भाई कोलकाता में रहते थे और परिवार बच्चे वच्चे लेकर, मतलब कि मोह माया में थी तो इसकी वजह से नहीं जाती थी। तो हम लोग बोला कि कोई बात नहीं, बांधना चाहिए, ठीक है। आपका भाई कोलकाता में है तो यहाँ मौसी के लड़के हैं, तो जरूरी नहीं है कि अगर आप कोलकाता नहीं जा पा रहे हैं तो अपने मौसी के लड़के को बांधो, तो वो कल भी जाएंगी राखी बांधने। हम लोग को भी खुशी हो रही है कि चलिए, मतलब कि आगे ये भी निकल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो ये कल जाएंगी और इसलिए हम एक दिन पहले जा रहे हैं, और हमारा यहाँ से मतलब कि मेरा मायके 2-2.5 घंटा लगता है, तो मैं आज शाम को निकल जाऊंगी। और ये भी इलाहाबाद जाएंगी अपने मौसी के घर, प्रयागराज, वही इलाहाबाद। तो फिर जो गाड़ी है ये जाएंगे, क्योंकि ये कल जाएंगी इसलिए हम एक दिन पहले निकल जा रहे हैं कि हमको मतलब कि साधन से जाना पड़ेगा। अब घर की गाड़ी है तो ये दीदी जाएंगी और वो बांध कर चली आएंगी, तो हम जाएंगे मायके में 2-4 दिन रुकेंगे। अब फिर उसके बाद अगर हम गाड़ी लेकर जाते तो फिर ये कैसे जाती, इसलिए हम घर से यहाँ से एक दिन पहले जा रहे हैं। वो भी ट्रेन, पापा जी जाएंगे छोड़ देंगे, जंगई तक छोड़ेंगे, फिर वहां से हम ट्रेन पकड़ के सीधे मेरे घर तक ट्रेन जाती है परसीपुरी स्टेशन। और इनको भी खुशी हो रही है कि कल हम भी जाएंगे, हम भी ठीक है।
तो हमें भी थोड़ा हो रहा है कि चलिए हम भी इतने दिन बाद जा रहे हैं राखी बांधने। हमेशा आते थे लेकिन राखी भी कभी नहीं जाते थे बांधने के लिए। तो एक बार भाभी जी के पास से मैं दिखा देता हूँ, इनके चेहरे पे देखिए, आंख में आंसू आ गए, भावुक हो गई। ऐसा सवाल करते ही कि 15 साल बाद जा रही हैं, तो एक अलग ही फीलिंग होती है दिल की कि हम इतने साल बाद जा रहे हैं। तो आपके साथ कौन कौन जाएगा? इनके पापा हैं। सानिया से बोले, प्रिंस सानिया नहीं जाएगी? सानिया करे हम नहीं जाएगी। अच्छा, वो लोग तो अपने अम्मा से इतना प्यार करते हैं, यानी अपनी दादी को छोड़, अम्मा यानी अपनी दादी को अम्मा ही बोलते हैं लोग, तो उनको छोड़ के नहीं जाती। जहाँ अभी अम्मा जाती तो वो लोग उसके साथ ही जाते हैं। कोई बात नहीं, प्यार करना चाहिए, हर इंसान को होना चाहिए। वही हम बात बर्तन धो रहे थे दोपहर में, हमकी सानिया कहीं नहीं जाती है, कल इसकी शादी हो जाएगी, ससुराल कैसे जाएगी? वैसे आप लोगों को सोनाक्षी के बारे में पता है कितना, वो तो और लोगों से अटैचमेंट हो जाती है। अब तो सानिया के बारे में सोच रहे हैं, उसकी वो अपनी विदाई के समय में क्या हाल होगा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा लोगों। सानिया तो अपनी मम्मी को छोड़कर हमको लगता है दादी को ही छोड़ के नहीं जाएगी। दादी तुम भी चलो मेरे साथ, उधर खाना खा ले सानिया, बच्चों का लगाव हो जाए जिससे ना। इसीलिए ना हम सोनाक्षी को हर माहौल में ढलते हैं कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी ये लड़की अरे रो देती बहुत जल्दी। तो आप लोग फ्रेंड, आज की वीडियो हमारी यहीं तक था। अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऋषभ भी कुछ कह रहा है, क्या कह रहे हैं ऋषभ? लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आप हमारे चैनल डीके वंदना जयसवाल को आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारी फैमिली बहुत खुश है, हमारी चैनल आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। और वंदना इनके टॉप लोग चैनल पे वो सब्सक्राइब करिए, 1 लाख करिए, ताकि हम लोग यहाँ 1 लाख का केक काट कर जाए। आंटी को और आगे ले जाए, उनको फॉलोअर्स बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। फॉलोअर्स नहीं सब्सक्राइब। प्रिंस पीछे बैठा हुआ नहीं दिख रहा, ऋषभ देखो कुछ खाने में मगन है। तो ऋषभ क्या कहना चाहते हो अपने पापा के चैनल के बारे में? तो हमारी फैमिली चाहती है कि मतलब कि हमारे फैमिली में सब लोग आगे बढ़े और सब तरक्की में रहें और सब खुश हैं, ऐसी बात नहीं है। और बस अब आज की वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय 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 बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय 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 ऋषभ।